अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको जमात धर्म का लेक्चर नंबर 10 उर्दू ग्रामर से मशरकी इकसाम के बारे में पढ़ाऊंगी। देखें, मशरकी इकसाम, मशरक की, इसमें मशरक की पांच इकसाम हैं। फाइल नंबर 2 मफूल, नंबर 3 इसम हालिया, और नंबर 4 इसम हासिल मसदर, और नंबर 5 पे देखें इसम मुआवजा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसम फाइल। फाइल जो है हम इसको, इसके मानी क्या है, काम करने वाला, जो इंसान काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, फाइल। अब इसकी जो है वो तारीफ देखें, वो इसम है जो किसी काम करने वाले को जाहिर करे मगर वो इसका असल नाम ना हो। पीछे देखें, मानी भी हम गलत जाता है कि फाइल का मतलब है काम करने वाला, तारीफ में क्या है कि वो इसम जो काम करने वाले को जाहिर करे लेकिन उसका नाम ना हो, जैसे पढ़ाकू। अब यहाँ पे नाम जाहिर नहीं हो रहा लेकिन है क्यों, पढ़ने वाला, काम करने वाला जाहिर हो रहा है, किसाब नाम नहीं है लेकिन काम करने वाला है। किसाब क्या करता है, गोश्त वाला। इस तरह लखारी यानी कि लिखने वाला, खिलाड़ी। अब यहाँ पे नाम नहीं कि कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, तो किसी खिलाड़ी का नाम तो नहीं जाहिर हो रहा, तो खिलाड़ी से हम यही एक अंदाजा लगा कि खेलने वाले को कहा जा रहा है। यानी कि अब फाइल में हमने सबसे पहले क्या देखना है कि फाइल वो होता है काम करने वाले को बोलते हैं, यानी कि जो इंसान काम कर रहा होता है उसका असल नाम ना जाहिर हो और उसका काम जाहिर हो जाए। अब इसी के साथ दूसरी देखिए इसमें मफूल। अब देखिए, जैसे फाइल है काम करने वाला, वो इसमें मफूल होता है जिस पर काम किया गया, ठीक है। अब इसकी तारीफ में देखिए, वो इसम है जो इस शख्स या चीज को जाहिर करे जिस पर काम किया गया हो। अब यहाँ पे हम मिसालें देखेंगे, मिसालों से आप देखना कि जिस पर काम किया गया हो वो वाज़े हो जाएगा। मसलन, लिखा हुआ खत, पढ़ी हुई किताब। अब इसी तरह नीचे मिसाल में, अली ने खत लिखा। अब यहाँ पे फाइल भी है मफूल भी है। फाइल हमने क्या पढ़ा था कि काम करने वाला, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, अली, अली ने खत लिखा है तो अली ने काम किया, अली क्या हुआ, फाइल। अब काम किस पे किया जा रहा है, खत पे किया जा रहा है कि वो खत लिख रहा है, तो खत क्या होगा, मफूल, यानी कि खत के ऊपर काम किया गया जिस पर काम किया गया। अब इस मिसाल में अली हमारे पास फाइल है जो कि काम कर रहा है, काम करने वाला है, खत हमारे पास मफूल है यानी कि जिसके ऊपर काम किया गया है, तो क्या बनते हैं हमारे पास, किसकी मिसाल होगी, इसमें मफूल की, कि जिस चीज को जाहिर करे और उस पर काम किया गया हो। अब देखिए तीसरा नंबर है इसमें हालिया, वो इसम या फाइल जो मफूल हो, फाइल की हालत को जाहिर करे, मफूल हो फाइल की हालत को जाहिर करे। अब यहाँ पे हम लोग दो जो है जुमले लेंगे, उसमें आप इसमें मफूल और इसमें फाइल दोनों की हालत को बयान करेंगे, फिर हमारे पास तो क्या बनेगा इसमें हालिया। पहला देखिए, पहले जुमले में अली हंसता हुआ आया। अब दूसरा जुमला, वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा। अब इन दोनों जुमलों में हमने इसमें फाइल और इसमें मफूल जो है दोनों की हालतें बयान करके फिर हमारे पास क्या बनेगा इसमें हालिया। अब इस जुमले में देखिए, हंसता हुआ ये फाइल है जो कि अली की हालत को बयान कर रहा है, अली हंसता हुआ आया, हंसता हुआ आप देखिए ये फाइल है जो कि किसकी हालत बयान कर रहा है, अली की हालत, कौन सी हालत, हंसता हुआ। दूसरे जुमले में देखिए कि पढ़ते हुए, वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा। अब देखिए जी, दूसरे जुमले में जो है वो पढ़ते हुए जो है वो कामरान यानी कि मफूल की हालत को बयान कर रहा है, ठीक है, किसी हालत को, मफूल की हालत को बयान कर रहा है पढ़ते हुए। यहाँ पे वसीम क्या है, फाइल, कामरान क्या है, जो पढ़ते हुए जिसने देखा है वो क्या है, मफूल। यानी कि इसमें हालिया हमारे पास क्या हुआ कि फाइल और मफूल की हालतों को बयान करना क्या कहलाता है, इसमें हालिया। इसी तरह इसमें हालिया में पहले जुमले में क्या हुआ है, फाइल की हालत बयान हुई है और दूसरे जुमले में मफूल की हालत बयान हुई है, फिर जाके वो क्या बन गया, इसमें हालिया। आप देखिए जी, अगले जो है इंसान हासिल मसदर, वो इसम है जिसमें मसदर के मानी पाए जाए यानी जो मसदर की कैफियत को जाहिर करे, मसलन आहट। अब देखिए आहट, इसमें आहट से आना, नून इस नाम क्या है, हासिल मसदर, ठीक है, तो यहां पे
आवर जो है मस्तर नहीं है, आवर से लफ्ज निकलेगा आना, वो होगा मस्तर, यानी कि नून ना जो होगा वो क्या होगा, मस्तर होगा। इसी तरह लड़ाई मस्तर नहीं है, लड़ाई से आगे लड़ना ये मस्तर है नून ना। दबाओ मस्तर नहीं है, इससे जो मानी जाहिर हूं दबाना नून ना ये मस्तर है। देखिए इसी तरह आवर लड़ाई और दबाना तीनों जो है वो मस्तर तो नहीं है, लेकिन जो इनके साथ पानी जाहिर हो रहा है, जो इनसे मानी निकल रहा है नून अलिफ ना, वो क्या है हमारे पास मस्तर है। ठीक है, आप नीचे आ गए लास्ट पे इसम मुआवजा, वो इसम है जो किसी काम या किसी खिदमत की उजरत और बदले के मानी दे, मसलन पेशवाई। अब हम देखें अगर हम आटा या पिसवाते हैं, हम ये तो बोले हम उसको पिसवाना देंगे, हम बोलेंगे हम उसको उसकी पिसवाई देंगे, ठीक है, यानी उसकी उजरत देंगे, कपड़े धोने से धुलाई, रंगने से रंगाई। ठीक है, अब देख आज हमने जो है क्लास नंबर का लेक्चर नंबर 10 में मशतक की इकसाम के बारे में पढ़ा है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।